Hi guys, welcome to CUET PGTs 2024 updated official selection process जो TISC official website पर उन्होंने release किया हुआ है. इसको लेकर मैंने already एक video बनाया था, but अभी वाले जो उन्होंने breakup दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा modification है. I want कि हर एक information आपको clear रहे. That is why on every changes, on every topic, any kind of update is coming up, you will be getting the video on Manuver Test Entrance channel. ठीक है, तो let's talk about सेलेक्शन प्रोसेस. ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना सारे लोगों को, इतने लोग टेस्ट सीयूईटी टारगेट कर रहे हैं पीजी 2024, सबको हर अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और इट्स दिस व्हाट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टीएएसएस. यहाँ पे इन्होंने स्टेज बन दिया हुआ है, ऑब्वियसली वो आपका सीयूईटी का एग्जाम है, CUET PG स्कोर, जिसका वेटेज उन्होंने 75% दिया है. सही है, ठीक है, वेटेज इन टेस्ट एडमिशन, तो जो आपकी 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में होने वाला है. तो आउट ऑफ 100% ऑफ वेटेज 75% वेटेज आपका CUET PG को गया. अब आते हैं स्टेज टू. जो चेंजेस है वो स्टेज टू में थोड़ा वो अपन समझ लेते हैं. एक्सटेम्पर रिफ्लेक्शन ऑन द गिवन टॉपिक 2 to 3 मिनट्स, 25% वेटेज इन टेस्ट एडमिशन. और दूसरा है आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका स्टेज टू. स्टेज टू को बोलते हैं ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट में दो फेज हैं, एक तो है आपका एक्सटेम्पर और दूसरा है आपका इंटरव्यू पार्ट. ठीक है, सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड. उन्होंने एक लाइन मेंशन की, फॉर ऑल द पीजी प्रोग्राम एक्सेप्ट एचआरएमएलआर एंड ओडीसीएल एंड एसई, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर. सो ये तीन कोर्सेज को छोड़ के ये सिलेक्शन प्रोसेस बाकी सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है. सो वेट इज फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस पीजी स्टेज वन एंड स्टेज टू. ठीक है, तो ये आपके नॉन एचआरएमएलआर, नॉन ओडीसीएल, नॉन एसी वाले कोर्सेज को लेकर के ये आपका स्टेज वन एंड स्टेज टू है. ठीक है, अब आते हैं एचआरएमएलआर, ओडीसीएल एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज को लेकर. इसका वेटेज सीयूईटी होगा. सही है, ये 75% ये सब में कॉमन है. बट स्टेज टू में क्या होने वाला है आपका, ये कौन सा कोर्स है, एचआरएमएलआर, ओडीसीएल. ठीक है, उस केस में ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होगा फॉर एचआरएमएलआर एंड ओडीसीएल. केस डिस्कशन ओनली फॉर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, इसके अलावा जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होगा आपका स्टेज टू. इसके अंदर ऑनलाइन असेसमेंट, इसके अंदर एक्सटेम्पर नहीं होने वाला. आई रिपीट, इसके अंदर एक्सटेम्पर नहीं होगा. सो ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर आपका जीडी है फॉर द एचआरएमएलआर ओडीसीएल एंड एक्सटेम्पर की जगह पे. वैसे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में एक्सटेम्पर की जगह क्या रखा दिया उन्होंने, केस डिस्कशन. सिंपल, बाकी इंटरव्यू कॉमन है. ओके, तो ये है आपका ब्रेकअप. इसको थोड़ा और क्लियर समझ लेते हैं. सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट चार्ट, अपडेटेड ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ टेस्ट 24 सीयूईटी पीजी. एचआरएमएलआर ओडीसीएल, सीयूईटी का एग्जाम लिखना है, रिजल्ट आएगा उसके बाद, इसके बाद अपना रिजल्ट आएगा और फिर डैफ. डैफ क्या होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा. वो जब भी आपका रिजल्ट आएगा फिर आपको टेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे डैफ फिल करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है. डैफ के बाद होगा ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट में आपका ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन होने वाला है और फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा. उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा एंड देन अगर आपका नाम आया तो सिलेक्शन, अगर नाम नहीं आया हुआ है तो आपको वेट लिस्टिंग प्रोसेस के लिए एंड स्पॉट राउंड के लिए रुकना पड़ेगा. ये है आपका एचआरएमएलआर ओडीसीएल का सिलेक्शन प्रोसेस. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बात सेम है, सीयूईटी पीजी, डैफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म. ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन केस डिस्कशन है, मतलब ग्रुप डिस्कशन की जगह पे क्या है, केस डिस्कशन. बाकी इंटरव्यू विल रिमेन सेम, फॉलोड बाय योर मेरिट लिस्ट. उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर सिलेक्शन. अदर कोर्सेज में क्या है आपका, जो दूसरे भी जो दूसरे कोर्सेज है आपका, उसमें सीयूईटी पीजी का एग्जाम, डैफ, ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर एक्सटेम्पर. देखो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, देखो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, यहाँ पे केस डिस्कशन था, यहाँ पे एक्सटेम्पर है. एक्सटेम्पर क्या है, आपको एक टॉपिक देंगे और आपको 2 to 3 मिनट्स उस टॉपिक पे बोलना है. लास्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन मेनी इंटरव्यूज और एक्सटेम्पर को लेके वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, जितने भी बच्चों का इंटरव्यू मैंने लिया हुआ था, प्लीज़ गो एंड वॉच एक्सटेम्पर होता क्या है. ठीक है, दिस ईयर वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द केस डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशन एज वेल, सो डोंट नीड टू वरी. इतने लोग मैन्यूअल के लाइव क्लासरूम स्टूडेंट हो, सो वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर ऑल दिस प्रिपरेशन. पहले अपने को सीयूईटी निकालना है, दिस इज द फर्स्ट टारगेट. तो ऑनलाइन असेसमेंट एंड आपका, सो ऑनलाइन असेसमेंट में आपका अदर कोर्सेज में एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पार्ट, फिर मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस. ये है आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, इसका फोटो ले लो जो भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. दिस विल बी द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस. ठीक है, तो 75% वेटेज भाई यहाँ पे भी आपका सेम 75%. सीयूईटी को उन्होंने 75% का वेटेज दिया हुआ है,
ऑनलाइन असेसमेंट को उन्होंने 25 का वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट सबको ये इन्फॉर्मेशन पता रहे कि हाँ सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बाकी आपके डैशबोर्ड पे प्रिपरेशन वाइज मॉक लॉन्च हो गए हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी चालू हो गए हैं, 3-4 कोर्सेस हैं जो स्पेसिफिक टू दी COQP 11 एंड COQP 12 को लेकर के। ठीक है, बाकी कोड को लेकर वेरी सून विल बी पोस्टिंग द वीडियो दूसरे कोड को लेकर के, जैसे आपका साइकोलॉजी हो गया, मास मीडिया हो गया, LLM हो गया आपका। ठीक है, उसके वीडियोज वेरी सून विल बी पोस्टिंग। बाकी टेस्ट 50 बैच ऑलरेडी वी हैव लॉन्च, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। और मॉक वगैरह बुक्स वगैरह सेल्फ स्टडी प्रोग्राम ज्वाइन करने तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।